नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने प्रत्यक्ष मराठा शासक जो थे उनके बारे में कवर किया था, ठीक है। आज हम उन्हीं मराठा शासकों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले सूबेदारों के बारे में पढ़ेंगे। सूबा शासन क्या होता था ये मैंने बताया था, इसे व्यंकोजी भोसले ने लागू किया था, ठीक है। व्यंकोजी भोसले इसके सूत्रधार, जन्मदाता, लागूकर्ता सारे के सारे व्यंकोजी भोसले ही आएंगे। जैसे परगना पद्धति मैंने शुरू में बताया था, जब मैंने बिंबाजी भोसले के बारे में पढ़ाया, तो परगना पद्धति के जो सूत्रधार हैं या फिर सूत्रधार के रूप में किसे जाना जाता था, तो बिंबाजी भोसले को। लेकिन लागूकर्ता कौन थे उसके, तो विट्ठल राव दिनकर, जो आगे अभी आपके सूबेदार में आएंगे, ठीक है। तो इसके सूत्रधार अलग थे, जन्मदाता अलग थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन सूबा व्यवस्था से पूछा जाए तो सारी चीज़ आपको वेंकोजी भोसले ही लेना है, ठीक। तो सूबा व्यवस्था किसने चालू किया, वेंकोजी भोसले ने किया। जब ये 1788 से 1818 तक छत्तीसगढ़ का शासन संभालता है, केवल 1811 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसने सूबा व्यवस्था को लागू कर दिया था, ठीक है। अब इसका मुख्यालय क्या होता था, तो रतनपुर क्षेत्र जो था छत्तीसगढ़ का क्या था, राजधानी हुआ करता था, तो वहीं से ये सूबेदार भी नियंत्रण करते थे पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, पूरे छत्तीसगढ़ में ये कैसे नियंत्रण करते थे, तो रतनपुर से। अब सूत्रधार देख लिया वेंकोजी भोसले। 1787 में मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इस काल में छत्तीसगढ़ में रतनपुर का राज्य था, ठीक है। रतनपुर क्षेत्र से इसका शासन हुआ करता था और जिस क्षेत्र को रतनपुर के नाम से ही जाना जाता था। फिर सूबेदार शासक नहीं होते थे किंतु मराठों के अधीन अधिकारी या प्रतिनिधि मात्र होते थे, ठीक है, जो यहाँ से राजस्व वसूली का कार्य करते थे और उनके अंतर्गत जो भी सैनिक असैनिक कार्यवाही होती थी वो सभी कार्यों को भी देखते थे। तो सूबेदार को सूबा के सैनिक असैनिक दीवानी एवं फौजदारी आदि सभी अधिकार प्राप्त थे। तो पूरे राजा के समान ही लगभग अधिकार प्राप्त होते थे, लेकिन वो अंतिम रूप से देखा जाए तो केवल प्रतिनिधि मात्र थे। अगर कोई बड़ा केस हो तो उसे हैंडल करने के लिए स्वयं शासक उपस्थित हुआ करते थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित सूबा शासन मराठों की उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम थी। कैसे उपनिवेशवादी, तो उपनिवेश का मतलब होता है कि आप किसी क्षेत्र में हैं लेकिन आपके अंतर्गत अन्य जो क्षेत्र होते हैं जहाँ सेम वही कार्य होगा जैसे शासक अपने क्षेत्र में करते हैं, तो वो उपनिवेश के रूप में देखा जाता है। उपनिवेश जैसे कि भारत को बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स का ये उपनिवेश क्षेत्र था। उपनिवेश मतलब एक खुद तो ब्रिटिश में थे, उनका सारा शक्ति का संचालन ब्रिटेन से होता था, लेकिन भारत में भी तो शासन करते थे, भारत में भी उनका वही प्रभुत्व था, तो वो उपनिवेश के जैसा होता है। तो सेम मराठा तो थे नागपुर में, महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे, लेकिन सेम प्रभुत्व उनका कहाँ था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, तो वो उनकी उपनिवेशवादी नीति को दर्शाता था, ठीक है। फिर देखेंगे इस प्रथा को जन्म देने का प्रमुख कारण मराठा शासकों का नागपुर में रहकर शासन व्यवस्था को संचालित करना था। अब पहले से उनका शासन क्षेत्र नागपुर था, अब वो उन क्षेत्र को छोड़कर आना नहीं चाहते थे। केवल बिंबाजी भोसले थे जो यहाँ आए और यहाँ शासन किए, लेकिन उनके अलावा कोई भी नहीं चाहता था, ठीक है। तो सब क्या ऐश आराम की ज़िंदगी नागपुर में बिताना चाहते थे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र से जो राजस्व प्राप्ति है, जो उनका क्षेत्र है, विस्तार करना है, जो भी करना है, उसके लिए वो सूबेदारों को नियुक्त कर देते थे। तो वही बोला जा रहा है कि इस सूबेदारी प्रथा को जन्म देने का एक कारण क्या था कि उपनिवेशवाद नीति थी, और दूसरा था कि इस क्षेत्र में स्वयं नागपुर में रहे, आराम करे और इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संचालित करे किसी अन्य के माध्यम से, ठीक, यही कारण था। तो इस प्रथा को जन्म देने का प्रमुख कारण नागपुर में स्वयं रहेंगे और इस क्षेत्र को संचालित करेंगे, यही था, ठीक है।
तो दोनों याद रखना आपको। सूबेदारी व्यवस्था किसका परिणाम है? तो मराठों की उपनिवेशवादी नीति का परिणाम है। और इसका जन्म किस वजह से हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि मराठा नागपुर से संचालन करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इस शासन पद्धति के अंतर्गत अनेक प्रदेश में अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई, टोटल 8 हुए थे मैंने बताया था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो देखेंगे हम, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, सब माही विभाग के बससिया, ये एक ट्रिक था, उसी के तरीके से आपको याद करना है। शासन वर्ष क्या था? तो 261/11/1801, 261 को एक एक क्रम में तोड़ना, 11 को बस साथ में लेना, फिर 1801 को 0 एक एक क्रम में तोड़ना। इस प्रकार 8 शासक के शासनकाल आपको, मतलब शासक नहीं, सूबेदार के शासनकाल आपको याद रहेंगे। तो पहले कौन थे? महिपत राव दिनकर। इनका शासनकाल 2 साल था, 261 का दो साल, 1788 से 1790। गलती से अगर मैं कहीं पर 1800 अगर मेरे से निकल जा रहा होगा तो आप उसे इग्नोर करते चलिएगा, यहाँ जो डाटा दिया गया हो उसे ही देखते भी चलिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर वैसा मेरे मुझसे निकल जाता है। जहाँ पर भी निकल रहा है मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत बोला है तो मैं उसे कवर करते चल रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं पर भूल हो जाए तो आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो 1788 से 1790 में इनका शासनकाल चलता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, ठीक है। 17 मई 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, जो कि इन्हीं के समय हुआ था। साथ में आपको मिस्टर लैंकी का भी नाम याद रखना, कहीं कहीं पर उनका भी आक्रमण 1790 मिलता है, कहीं पर बिंबाजी भोसले के समय में मिलता है, ठीक है। तो आनंदी भाई उस समय सत्ता में थी, तो ये भी याद रखना है कि महिपत राव दिनकर के समय में सत्ता का संचालन कौन कर रही थी? तो आनंदी भाई, जिसके नाम से इनके मध्य में संघर्ष होता था, मैंने बताया है, ठीक है। इसके शासन में सारी शक्तियाँ आनंदी भाई के हाथों में थी, जैसा कि मैंने बताया। ये नाम मात्र के लिए सूबेदार के कार्य करता था, क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों का संचालन तो स्वयं आनंदी भाई कर रही थी। इन्होंने रायपुर से बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। महिपत राव दिनकर ने बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बूढ़ा तालाब, रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है बहुत ही फेमस है, उसका निर्माण महिपत राव दिनकर द्वारा कराया गया था, महिपत राव दिनकर के द्वारा कराया गया था। तो बहुत ही प्राचीन तालाब है, देख सकते हैं। फिर विट्ठल राव दिनकर इनके अंतर आगे आएंगे। तो महिपत राव में क्या क्या देखा हमने? शासनकाल 2 वर्ष का, 1788 से 1790, प्रथम सूबेदार थे छत्तीसगढ़ से। इनके समय में एक यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आया हुआ था। इनके समय में आनंदी बाई इस क्षेत्र में शासन करती थी, जिसके साथ उनका सत्ता का संघर्ष चलता था, और ये केवल नाम मात्र का सूबेदार बन के रह गया था। लेकिन इसने एक काम भी कराया, कौन सा? तालाब निर्माण का कार्य, जिसे बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है रायपुर क्षेत्र में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये था महिपत राव दिनकर के बारे में। फिर आएंगे विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सूबेदार हैं, ठीक है। इनका शासनकाल 6 वर्षों तक चलता है, 1790 से 1796 तक। इनके समय में 2 यूरोपीय यात्री आएंगे, एक तो आएगा मिस्टर जेटी ब्लंट, ठीक है, और एक तो आएगा यहाँ पर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जेटी ब्लंट को याद रखना, अगर नाम याद आता है मुझे तो मैं आपको बताऊँगा। एक तो मिस्टर जेटी ब्लंट इसके समय में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विट्ठल राव दिनकर के समय में मिस्टर जेटी ब्लंट इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि इन्हें परगना पद्धति का जन्मदाता बोला जाता है। किसके किसे परगना पद्धति का जन्मदाता बोला जाता है? तो विट्ठल राव दिनकर को परगना पद्धति का जन्मदाता बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। जन्मदाता तो विट्ठल राव दिनकर है, लेकिन सूत्रधार कौन थे उनके, ऐसा पहली बार सोचा किसने था? तो बिंबाजी भोसले का नाम याद रखना है सूत्रधार के रूप में, ठीक है। और लागू करता है जन्मदाता के रूप में कौन है परगना पद्धति का? तो विट्ठल राव दिनकर है। अब लागू करता यह नवीन व्यवस्था 1818 ईस्वी तक लागू रही। 1818 ईस्वी तक ये जो विट्ठल राव दिनकर परगना पद्धति देखे जाते हैं वो लागू रहता है। 1818 ईस्वी तक मतलब पूरा सूबा शासन जो चलता है तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। 1790 से 1818 तक चालू रहती है, ठीक है। परगना प्रमुख क्या कहलाता था? अब जो परगना क्षेत्र बांट दिए गए, परगना क्या होता था? एक सूबा क्षेत्र, सूबा क्षेत्र के अंतर्गत ना और छोटे छोटे अन्य परगने बांट दिए जाते थे, कि राजनांदगांव परगना हो गया, और कोई रायपुर परगना हो गया, कोई आरंग परगना हो गया, इस तरीके से। तो परगना क्षेत्र होता था, ठीक, जिसे और मतलब सूबा क्षेत्र होता था जिसे और छोटे छोटे परगनों में बांट दिया जाता था, या जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत और परगने आ जाते थे, ये ऐसे आप रिलेट करेंगे। जिनका प्रमुख कौन होता था? तो कमाविजदार होता था, कमाविजदार। अब सूबेदार इस क्षेत्र में क्यों आए थे? कमाने के लिए आए थे ना, किन के लिए कमाने आए थे? मराठों के लिए, वही मैंने बताया था, जो सर्वाधिक टकोली देगा
उसे सूबेदार बनाया जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या राजस्व प्राप्त करने आए थे, सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने आए थे, कमाने आए थे, और उसी के अंतर्गत इसने क्या किया परगना, तो परगना क्षेत्र से ये क्या करने आए थे, कमाने आए थे, कमाने से कमाविजदार, ठीक है। तो परगना प्रमुख क्या होता था, कमाविजदार, ये ठीक है, इस तरीके से याद करना है। अब इन्होंने कलचुरीकालीन छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था, जो पहले छत्तीसगढ़ थे उसे टोटल 27 परगने में विभाजित कर दिया था। गौटिया को पद को यथावत बनाए रखा था, गौटिया जो कि कलचुरी काल से चला आ रहा था, गौटिया जो गांव का प्रमुख होता था, वहां के राजस्व संबंधी कार्यों को देखता था, तो उस पद को ये बनाए रखता है, कौन, विट्ठल राव दिनकर। अब परगना पद्धति ला रहा है तो कुछ तो चेंज करेगा ना, कुछ कुछ, तो गौटिया के पद को बनाए रखता है। इसके साथ में पटेल का पद आ जाता है, आगे आएगा ये, पटेल का पद अभी तो नहीं आएगा, ठीक। तो गौटिया के पद को यथावत बनाए रखता है, ये याद रखना है। इनके शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है 1795 में, क्यों होता है, तो वही जो मिस्टर जेटी ब्लंट आए थे ना, ये भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी थे वो इसे इसका विद्रोह करते हैं और ये फिर उस क्षेत्र से बस्तर में एंट्री नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसे भोपालपट्टनम में इसका संघर्ष हुआ था, इसलिए भोपालपट्टनम का संघर्ष बोला जाता है 1795 में। उस समय शासक कौन था सर, तो दरियादेव था, कहाँ का, आपके बस्तर का, याद रखना है, ठीक है। फिर भवानी कालू के बारे में देखते हैं, तो बोला जाता है कि सबसे कम समय अवधि के लिए जो सूबेदार था वो भवानी कालू था। भवानी कालू सबसे कम समय के लिए था, 1796 से 1797 तक, ये पूरा एक साल दिख रहा है लेकिन ये एक साल नहीं है, वाई दो जैसे दिसंबर है तो 1796 दिसंबर, जनवरी फरवरी 1797 आ गया, तो इस तरीके से था ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक। तो कम, सबसे कम समय अवधि के लिए कौन था, भवानी कालू था, 1796 से 1797 ईस्वी तक, ठीक है। इसे अपना प्रतिनिधि भेजकर शासन करना चाहा और इन्हें तब इन्हें अपदस्थ कर केशव गोविंद को सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब ये सबसे कम समय तक क्यों थे, तो इसका कारण क्या है, तो ये भवानी कालू चालू निकला, कालू है नाम में तो ये चालू निकला, कालू क्या निकला, चालू निकला, कैसे चालू निकला, अब मराठा सूबेदार नियुक्त कर रहे हैं कि हम नागपुर में रहेंगे और हमारे बदले सूबेदार वहाँ जाकर शासन संभालेगा। अब एक भवानी जो कालू है वो चालू कैसे निकलता है कि ये सोचता है मैं भी क्यों जाऊँ, मैं अपने अंदर अधिकारी रखता हूँ और उसको भेजता हूँ शासन करने के। तो इस बारे में मराठा शासक जो व्यंको जी रहते हैं उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब वो क्या करते हैं कि इस भवानी कालू को सूबेदार के पद से हटा देते हैं और इनके जगह एक नया सूबेदार नियुक्त करते हैं केशव गोविंद, ठीक, केशव गोविंद। तो इनकी मृत्यु नहीं हुई रहती है, इनके चालूपन की वजह से कालू को हटा दिया जाता है, इसलिए सबसे कम समय तक का सूबेदार रहता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। 1796-1797 तक रहेगा सबसे कम अवधि के लिए सूबेदार, ठीक है। अब इसने अपने प्रतिनिधि भेजा था, उसका नाम क्या था, तो कोड़ो विष्णु था, कोड़ो विष्णु, कोड़ो विष्णु आपको याद रखना है, भवानी कालू कोड़ो विष्णु, इस वजह से इसे हटा दिया जाता था। तो ये था आपके तीन जो सूबेदार थे लगातार, उसके बारे में हमने देखा, ठीक। आगे हम केशव गोविंद के बारे में भी देख लेते हैं, केशव गोविंद जो थे, इसका शासनकाल 1797 से 1808 ईस्वी तक था, सर्वाधिक लंबे समय तक। अब भवानी कालू सबसे कम और जिस उसके जगह में जो केशव गोविंद आता है वो सर्वाधिक समय तक रहता है, ठीक है, सर्वाधिक समय तक 1797 से 1808 इतने समय तक, लगभग ये 11 वर्ष तक शासन करता है, ठीक, सर्वाधिक लंबे समय तक सूबेदार कौन, आपका केशव गोविंद। इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन आता है, तो कोलब्रुक कसे केशव गोविंद कसे कोलब्रुक, इस तरीके से हमने याद किया था, 1799 में ही आता है। फिर केशव गोविंद ने संबलपुर क्षेत्र को जीतकर मराठा क्षेत्र को विस्तृत किया था। अब संबलपुर क्षेत्र हमने पहले भी पढ़ा था किसके समय में, तो हमने उसे वेंकोजी भोसले के समय देखा था कि उसका जो कौन था सेनापति रामचंद्र बाग, उसने जाकर उस क्षेत्र को जीता था, तो उस समय सूबेदार कौन था, केशव गोविंद था। टोटल छः सूबेदार आते हैं वेंकोजी के समय में, तो उनमें केशव गोविंद के समय में ही इस संबलपुर क्षेत्र को जीता गया था और मराठा क्षेत्र को विस्तृत किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। इनके शासनकाल में सरगुजा एवं छोटा नागपुर के मध्य 1808 में सीमा विवाद हो गया था, किसके समय में, तो केशव गोविंद के समय में। शासक कौन था, तो वेंकोजी भोसले। उसके बाद सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य 1808 ईस्वी में सीमा विवाद हो गया था, ये याद रखना है, सीमा विवाद हो गया था। इन्होंने पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की थी,
पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी। पिंडारियों का प्रथम आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में होता है, याद रखना। सबसे लंबा शासनकाल किसका था? केशव गोविंद का था। इसने विस्तार भी कर लिया, संबलपुर क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। इसके समय में यूरोपीय यात्री कसे केशव गोविंद और कसे कोलब्रुक, तो कोलब्रुक यूरोपीय यात्री आया था 1799 में, ठीक है। इसके शासनकाल में अब विस्तार किया तो साथ में सीमा का विवाद हो गया, जो कि सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य हो गया था, मतलब आज के छत्तीसगढ़ उस समय का और आज के झारखंड दोनों के मध्य में सीमा विवाद हो गया था, कब? 1808 में, ठीक है। और इन्हीं के समय में बोला जाता कि था कि पिंडारी जो थे उनका सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, तो या फिर मराठों के ऊपर, तो पिंडारियों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था इसी के शासनकाल में, याद रखना है, जिससे इन्होंने रक्षा कर ली थी, जिससे केशव गोविंद ने पिंडारियों से इस क्षेत्र की रक्षा कर ली थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पिंडारी क्या होते थे, तो पिंडारी देखते हैं हम, तो पिंडारी ना लुटेरे होते थे, और ये ऐसे लुटेरे होते थे जो पैसा वैसा सब तो लूट तो लेते थे, लेकिन जिनके साथ ये हाथापाई करते थे, लूटते थे, उनको मार भी देते थे, सीधा मृत्यु के घाट उतार देते थे, तो ये भी याद रखना है। पिंडारी ये लूटपाट मचाने वाले होते थे, बहुत सारे समूह में रहते थे, लगभग 25,000 लुटेरों का झुंड होता था, और ये जिनसे भी पैसा वैसा चोरी करते थे, जहाँ भी डकैत करते थे, वहाँ जितने भी लोग होते थे सबको मार देते थे, ठीक है। तो लगभग यहाँ 25,000 लुटेरों का झुंड हुआ करता था। इसका जो प्रमुख होता था उसे लहवरिया कहा जाता था, लहवरिया कहा जाता था। किसके प्रमुख को? तो पिंडारियों के प्रमुख को लहवरिया कहा जाता था। इसका निवास पेंड्रा, जनश्रुति से ज्ञात जानकारी के अनुसार पिंडारियों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम पेंड्रा पड़ा। कौन सा क्षेत्र? पेंड्रा, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही पड़ते हैं ना, अभी जानते हैं GPM जो नया 2020 में बना जिला है, उस क्षेत्र में, जो पेंड्रा क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में निवास करते थे, और इन्हीं पिंडारियों के नाम पर इसे पेंड्रा क्षेत्र घोषित कर दिया गया, पेंड्रा नाम कहा जाने लगा है, ऐसा बोला जाता है। फिर इनका प्रभाव कब से कब तक था? तो 1806 से 1810 ईस्वी तक इनका प्रभाव था। इसीलिए देखिए, जो केशव गोविंद है उनके समय में सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन केशव गोविंद ने इनसे रक्षा कर ली थी, ठीक है। और इन्हीं दौरान जो 1806-1810 तक इनका भय सबसे ज़्यादा रहा। फिर छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का प्रथम आक्रमण केशव गोविंद के शासनकाल में हुआ, जबकि बीकाजी गोपाल के समय में ये अपनी चरम सीमा पर थे। पिंडारियों का यंत्र यादव और दिवाकर के शासनकाल में 1818 ईस्वी में हुआ, जो कि अंतिम सूबेदार आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बात मैंने बताया किसके बारे में? पिंडारी के बारे में। क्या पिंडारी एक लुटेरों का झुंड होता था, लगभग 25,000 लुटेरों का, और ये क्या करते थे, जहाँ भी लुटते थे सामान वामान उन सबको मौत के घाट उतार देते थे। इनका जो प्रमुख होता था कौन होता था? लवरिया होता था। पेंड्रा क्षेत्र में ये निवास करते थे, और बोला जाता कि इनके निवास के कारण ही उस क्षेत्र को पेंड्रा बोला गया, ठीक। अब इनका जो प्रभाव रहा इस क्षेत्र में वो 1806 से 1810 ईस्वी तक रहा, जिसमें सबसे पहले केशव गोविंद के समय में आक्रमण हुआ, और बीकाजी गोपाल के समय में ये अपनी चरम सीमा पर थे, और अंतिम रूप से इसका अंत जो है, जो अंतिम सूबेदार आएगा कौन? यादव और दिवाकर, उनके समय हो जाता है। किनका अंत? पिंडारियों का अंत। पिंडारियों का एक अन्य नाम भी है जिसे आप याद रखिएगा, शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता के रूप में पिंडारियों को बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके पिंडारी और केशव गोविंद के बारे में हमने देख लिया, ठीक। आगे के जो वो हैं सूबेदार, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आया हो या कोई भी डाउट आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।